तो आज मैं जिस पोइम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है विलियम ब्लेक का लिखा द गार्डन ऑफ लव। ये जो पोइम है ये विलियम ब्लेक का लिखा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस सीरीज से लिया गया है। इस पोइम का जो मेन थीम है वो ये है कि उस वक्त विलियम ब्लेक जिस टाइम पे बिलोंग करते थे वहाँ रिलीजियस जो था वो कुछ प्रीस्ट और चर्च के हाथों में चला गया था, और ये प्रीस्ट जो थे और चर्च क्या करता था, पूरा सोसाइटी को बाउंड करके रखता था, एक दायरे में बांध के रखता था, और रिलीजियन जो फैक्टर्स था वो उनके अपने हाथों में वो लोग बांध के रख देते थे। और इसी चीज़ को लेके विलियम ब्लेक आर्गू कर रहे और उन्हें ये पसंद नहीं है, क्योंकि विलियम ब्लेक मानते हैं कि रिलीजियन का मतलब होता है लव, स्वीटनेस, ये सब रहनी चाहिए, लेकिन प्रीस्ट जो थे उस वक्त का जो चर्च था वो कुछ ज़्यादा ही इंसान की जो अपनी ज़िंदगी है उसमें इंटरफेयर करते थे और एक बाउंडेशन में उसे बांध के रखते थे। और इसी थीम के ऊपर बेस करके ये जो पोएम है इसे बनाया गया है। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। आई वेंट टू द गार्डन ऑफ लव, मैं गया था गार्डन ऑफ लव में। गार्डन ऑफ लव मतलब एक जगह है, एक गार्डन है, जो एक वक्त था जिसमें लव स्वीटनेस था, और उसी जगह पे पोएट जो है वहाँ पर गए थे। एंड सॉ व्हाट आई नेवर हैड सीन, और मैंने जो आके जब देखा और मैंने वहाँ जाके जो देखा पहले कभी नहीं देखा था। अ चैपल वॉज बिल्ट इन द मिडस्ट, चैपल का मतलब होता है एक चर्च जैसा होता है। तो मैंने देखा वो गार्डन जो था उस गार्डन के बीच में, मिडस्ट का मतलब होता है मिडिल, उस गार्डन के बीच में एक चैपल बनाया हुआ है। वेयर आई यूज टू प्ले ऑन द ग्रीन, लेकिन ये चैपल जो है ये नया नया बना है, ये पहले वहाँ पर था नहीं, क्योंकि पहले मैं बचपन में वहाँ पर घास था और एक कह सकते एक फील्ड था, उस फील्ड में मैं क्या करता था, यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट बता रहे एंड द गेट्स ऑफ दिस चैपल वेयर शट, और ये जो चैपल था जो चर्च था उस चर्च का जो गेट था वो बंद किया गया था, उसको बंद रखा गया था। एंड दाउ शैल्ट नॉट राइट ओवर द डोर, और उस चैपल के दरवाजे में लिखा गया था, लिखा हुआ था दाउ शैल्ट नॉट, मतलब आप इसमें इंटर नहीं कर सकते हो। तो उस चैपल में, उस चर्च में पब्लिक का एंटर करना मना था, हर कोई उस चैपल में, उस चर्च में एंटर नहीं कर सकता है। सो आई टर्न टू द गार्डन ऑफ लव, तो मैंने क्या किया, उस चैपल के अंदर नहीं गया और मैं घूम रहा था गार्डन में, घूम रहा था अगल बगल में, जहाँ जहाँ मेरा बचपन वहाँ पर गुजारा था मैंने पहले भी। दैट सो मैनी स्वीट फ्लावर्स बोर, और वहाँ पर क्या होता था, पहले बहुत सारे फूल खिले हुए रहते थे। एंड आई सॉ इट वॉज फिल्ड विद ग्रेप्स, लेकिन मैंने देखा कि वो जो गार्डन था उसमें अभी फूल खिला हुआ नहीं है, बल्कि वहाँ पर ग्रेप्स का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो मैंने वहाँ देखा पूरा फील्ड मतलब कब्र से वहाँ पर भरी पड़ी थी। एंड टोम स्टोन्स वेयर फ्लावर्स, वेयर फ्लावर्स शुड बी, एंड टोम स्टोन्स वेयर फ्लावर्स शुड बी, और जहाँ पर मैं देखता था फूल खिला हुआ रहता था, जहाँ पर फूल खिला हुआ रहना चाहिए था वहाँ पर मैं देख रहा हूँ टॉम स्टोन्स। टॉम स्टोन्स का मतलब होता है कि जो टॉम होता है मतलब कब्र होता है, कब्र के देखिएगा उस कब्र में देखिएगा स्टोन रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि उस किसका कब्र है। तो उस कब्रिस्तान में मैंने सिर्फ वही देखा कि पत्थर लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर फूल खिला हुआ रहना चाहिए था वहाँ पर फूल खिली नहीं है। एंड प्रीस्ट इन ब्लैक गाउन्स वेयर वॉकिंग देयर राउंड्स, और मैंने देखा अगल बगल में प्रीस्ट जो है वो घूम रहे और वो ब्लैक गाउन्स पहन के घूम रहे, वो राउंड राउंड घूम रहे हैं, पैदल जा रहे उस कब्रिस्तान के ऊपर से। एंड बाइंडिंग विथ ब्रायर्स माई जॉयज एंड डिज़ायर्स, ब्रायर्स का मतलब होता है कि बाउंडेशन, तो रिस्ट्रिक्शन, रूल्स। और वो प्रीस्ट जो थे उन लोगों ने क्या किया था, एक रिस्ट्रिक्शन बना के रखा है, जो रिस्ट्रिक्शन क्या कर रहा है, मेरी अंदर जो जॉय और जो डिज़ायर है उसे छीन के ले ले रहा है, इसका मतलब है छीन रहा है। तो मेरी जो अंदर की जॉय है, डिज़ायर है, उसे छीना जा रहा है उस बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन के द्वारा। यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ विलियम ब्लेक ने दिखाया है कि उस वक्त का जो रिलीजियन फैक्टर था, जो प्रीस्ट थे, जो चर्च था, यहाँ पर ब्लैक गाउन्स एक सिमिलाइज किया गया है। ब्लैक गाउन्स का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशंस,
और उस रूल्स एंड रेगुलेशन जो था वो ऑर्गेनाइज था, और रिलीजन जो था वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था, रिस्ट्रिक्शन से बांध दिया गया था सोसाइटी को। और जो चर्च हुआ करता था वहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन के द्वारा और बाउंडेशन के द्वारा ह्यूमन जो चाहत, डिज़ायर या फिर जॉय था उसे ख़त्म कर दिया गया। बचपन में जिस चर्च के ग्राउंड में खेला जाता था, जहाँ पर फूल खिली हुई रहती थी, वहाँ पर अभी कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेवियर्ड्स और ग्रेवियर्ड्स कब्रिस्तान है और एक चैपल भी है। तो इसके द्वारा दिखाया गया है कि सोसाइटी में जिस तरह आप बड़े होंगे तो आपकी ज़िंदगी की जो जॉयज़ है, डिज़ायर्स है, वो धर्म के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड बनाया जाता है, और धर्म आपको ये परमिट नहीं करता है कि आप खुल के जियो या फिर आपकी जो डिज़ायर है उसे आप पूरी करो। तो धर्म क्या करता था, बाउंडेशन और रिस्ट्रिक्शन और रूल्स के द्वारा ज़िंदगी को एक दायरे में बांध दिया करता था। वही चीज़ विलियम ब्लेक यहाँ पर आर्गुमेंट के द्वारा समझाने की कोशिश किया है कि धर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए। धर्म का मतलब होता है स्वीटनेस, फ्लावर्स की तरह स्वीट होनी चाहिए, ज़िंदगी को खुल के जीने की परमिशन और ज़िंदगी को सुधारने की परमिशन देती है धर्म। विलियम ब्लेक इस पोएम में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाए हैं।